अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ अब दोस्तों की खिदमत में। दोस्तों, ये छः खोखों के दरमियान में कारा हो रहा है। ये खोखा हो जाएगा सब्जली का और वो खोखा हो जाएगा ग़ुलाम नबी का दोस्तों, और वो जो खोखा है वो हो जाएगा जिंदू का, और वो जो खोखा है वो हो जाएगा दोस्तों मोर का, और ये हो जाएगा मौली मेहर, और वो जो खोखा है वो हो जाएगा सगीर मिस्त्री सगीर का। ये दोस्तों अलाहाबाद की पाल्टी है एक, और दूसरी मेरे इलाके की पाल्टी है पुल त्रेवी की। तो दोस्तों कारा बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा ग़ुलाम नबी का, और ये सब्जली का हो जाएगा शो, और मिस्त्री जो है ना सगीर का भी शो हो जाएगा। ये तीन खोखे एक जैसे हैं दोस्तों, मुकाबला ज़बरदस्त रहेगा दोस्तों। आप वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आपका एक कमेंट दोस्तों मेरी काफ़ी हौसला अफजाई करता है, अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाया करो दोस्तों। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं, तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरी हर वीडियो आप दोस्तों को पसंद आए, और मैं कोशिश भी करता हूँ दोस्तों। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है दोस्तों, जो जो भाई मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया दोस्तों। एक और चैनल है वो खेड़ कबूतरां दी दोस्तों, वो छत के कबूतर कबूतरों की वीडियो अपलोड करता है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होती हैं। तौसा शरीफ का बंदा है जिसका चैनल है, अपने तौसा शरीफ के इलाके की वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड करता है छत के कबूतरों की दोस्तों। फारसेल कबूतर भी होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो होती है उसके चैनल पर दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, खेड़ कबूतरां दी उस चैनल की लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये देखें दोस्तों, अब लड़ाई जा रही है। दोस्तों ये जो सब्जली का खोखा है ना, ये पहले एक नाना नूरू के नाम से मशहूर है बंदा, उसके पास था पहले, वो उड़ाता था, मशहूर कबूतर हैं। इस बंदे ने चैलेंज दिया था पूरे पाकिस्तान को कि कोई भी आके मुझसे लड़ा सके कबूतर, जो भाई लड़ाना चाहे लड़ा सकता है। तो भाई इन खोखों में भी जो है ना अक्सर खोखे फार सेल होते हैं, जिस भाई को लेने हों लड़ाई वाले कबूतर भी वो मुझसे रब्ता कर सकता है। वीडियो को पूरा वाच किया करें दोस्तों। नांगपुरे कबूतर है दोस्तों, ये टोटल नांगपुरे कबूतर हैं, कोई दो चार कबूतर हैं चिंगारे, बाकी सारे नांगपुरे कबूतर हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो नांगपुरे कबूतर होता है ना, ये भूरे कबूतरों या चिंगारे कबूतरों में नहीं बैठता, ये सिर्फ नांगपुरे कबूतरों में ही बैठता है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं दोस्तों, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, तंदरुस्ती दे अल्लाह पाक उन्हें। राशिद तबस्सुम मेरा दोस्त है, उसका चैनल है, मैं वीडियो भी उसकी देखता रहता हूँ, वो अपने चैनल पे मेरी वीडियोस भी शेयर करता है दोस्तों, बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान है, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे दोस्तों, मेरी दुआ है।
दोस्तों अब कार्य को एंजॉय करें, तो फिर मिलते हैं दोस्तों वीडियो के एंड में। मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा कि कौन सी पार्टी जीत गई और कौन सी पार्टी हार गई है। दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना, दोस्तों वीडियो मज़ेदार होने वाली है। Oh!
लिखो मुड़े ना लाउड रे ना तल्ला जरे लिखो मुड़े ना उठे ना ठ लगी पे क्या डब्बल फेरा मरा था ना झाग दे नहीं किधर गया
थोड़ा थोड़ा अर्थ भला Oh,
ਇਵੇਂ ਉੱਡਰੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਡਰੇ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। Oh!
जी तो दोस्तों रिजल्ट के साथ हाजिर हूँ मैं। ये कारा जो है ना गुलाम नबी जीत गया है सब्ज़ अली से दोस्तों, दो कबूतरों से, 7 और 9 कबूतरों की पकड़ हुई है। ये कारा गुलाम नबी जीत गया दोस्त।